माई चैनल अगेन और मैं हूँ सीमा खन्ना और सुबह के 11 बज रहे हैं और पीयू टीवी देख रही है और मैं लेटी हुई थी, तबीयत ठीक नहीं है मेरा आज बहुत ही मतलब आज फिर भी थोड़ा ठीक है, लास्ट 2 डेज मेरा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाला था और कल तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया और इंजेक्शन भी लगा और तब मेडिसिन भी मिले हैं। तबीयत ठीक नहीं है मेरी अभी भी, फिर भी आज बेटर हूँ लास्ट 2 डेज के कंपेयर में। तो मैंने सोचा कि ना आज आपसे शेयर करूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं मतलब लास्ट वीक मैंने एरोबिक स्टार्ट किया, मेमोरी करके बहुत दिन हो गए हैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, तो मैंने एरोबिक स्टार्ट किया तो आई थिंक कुछ मेरे मसल्स में पेन हो गया, तो मैं थोड़ा तकलीफ़ होने लगा था मुझे हल्का, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर कल से मुझे कोई कल से पहले ही 2 दिन पहले ही मुझे काफ़ी तकलीफ़ होने लगा और कल तो एक्सेस हो गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है और अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है पर पेन अभी भी है मसल्स में और चलने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, घर का हाल बहुत ख़राब हो रखा है, घर में मतलब सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ मैं बहुत ही मुश्किल से। थोड़ा सा मैंने आज सुबह उठकर थोड़ा बर्तन वगैरह साफ़ किया और नाश्ता मैं बोल क्या बनाऊँ क्योंकि बाहर से 2 दिन से ही आ रहा है, रात का भी खाना हम जोमेटो से ही किए थे तो मैंने बोला अब आज घर पे ही बनाऊँगी, थोड़ा ठीक लग रहा है तो आज मैंने ब्रेड ऑमलेट बना दिया। और अभी पीयू है वो, उसके लिए खाना बनाना है मुझे, तो मैंने सोचा वो दाल चावल खा लेती है इजली, रहर दाल ही उसे पसंद है और कोई दाल नहीं खाती, तो मैं रहर दाल बस बना के आई हूँ और अभी बस बैठी हूँ मैं। तो मैं सोची क्यों ना आप सबसे शेयर करूँ मैं अपनी बातें। आप देख पा रहे हो मेरे घर का हाल आज क्या हो रखा है, आज पीयू ने पूरे घर को फैला दिया है और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी इतना हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि मैं ठीक कर पाऊँ घर को। और आज इसे बहुत अच्छा मौका मिल गया क्योंकि आज ये स्कूल भी नहीं गई और घर में पूरा टॉयज अपना फैला रखी है और मैं तो सो गई थी थोड़े देर के लिए, उठी तो देखी कि इसने पूरी गंदगी फैला दी। अब ये है कि इसके पापा आएंगे तो फिर अंकित जी आएंगे तो फिर ये सब संभाल के रखेंगे क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ठीक कर पाऊँ। आज अकेले अकेले खेल रही है, मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और ये आज टॉय में ही बिजी है, उसी के साथ खेल रही है, आज इसका भी मैं इतना केयर नहीं कर पा रही हूँ, बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे। मैं बेबी को सुला रहा है। कौन बेबी को सुला रहा है? ये देखो। अच्छा ये देखो, आज ये अपने टॉय से ही खेल रही है, गोदी से खेल रहा है। डॉक्टर ने मम्मा को क्या इंजेक्शन लगाया? हाँ। आप देख रहे थे? हाँ। कल ये देखी और फिर मुझे बोली मम्मा ये क्या हो रहा है, डॉक्टर आंटी आपको इंजेक्शन लगा रही है। ये थोड़ा सा डर गई थी, ये सोची करके आप मुझे भी लगाएंगे तो थोड़ा सा ये डर गई थी और अब काफ़ी बदमाशी कर रही है पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अभी इसे संभाल पाऊँ। इसने जितना फैला दिया है मैंने बोला कि अब फैले रहेगा, अंकित जी घर आएंगे रात को तो फिर अब वो सब सही करेंगे, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना कर पाऊँगी तो कर लूँगी। और खाने का सबसे मेन है कि क्या बनाऊँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा है और ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाऊँगी, तो इसके लिए मैं दाल चावल बना दी हूँ और देखती हूँ मैं अपने लिए दलिया बना लूँगी, वो मेरे मैं खा लूँगी दलिया क्योंकि ये दलिया नहीं खाती है। आप दलिया खाओगे बेटा? वो भी खेल रहा है। हाँ? हाँ। वो अपने टॉय के साथ ही खेल रही है। आज इसका भी छुट्टी कर दिया मैंने क्योंकि इसे फिर छोड़ना लाना कौन करता क्योंकि इन्हें बिल्कुल टाइम नहीं है, कल मेरे कारण वो छुट्टी ले लिए थे क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ गया हमें, पर आज ये छुट्टी नहीं ले सकते थे तो इसलिए आज पीयू स्कूल नहीं गई, घर पे ही है। लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मेरा एक और प्रोडक्ट आने वाला है लिपस्टिक, तो वो आ गया है, उसी का एक शेड मैंने अभी लगा रखा है और 4 शेड थे उसमें जिसमें से कि एक मैंने लगा लिया है और मैं आपको और दिखाती हूँ उसे। ये है, इस छोटे मिनी लिपस्टिक है, मैट लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि ये पोंछने से भी नहीं निकलता है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने पहले भी एक दिन पहले भी यूज़ किया, ये मेरा 2 दिन पहले आया था
पर एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने बोला आज बना रही हूँ तो मैं साथ में ये भी आपको दिखा दूँ कि लिपस्टिक मेरा आ गया है और बहुत अच्छा है ये, तो मुझे बहुत पसंद आया। इसके सारे शेड मुझे बहुत पसंद आए, एक शेड है जो थोड़ा सा डार्क है जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने बोला बाकी 3 शेड जो है वो काफ़ी अच्छे हैं तो इसलिए मैंने नहीं रिटर्न किया। ये शेड है जो वो डार्क है, मैं ये डार्क शेड नहीं शेयर नहीं लगाती हूँ, तो बट ट्राई करूँगी मैं। और बाकी के शेड जो है, बाकी के 3 शेड हैं मैं आपको दिखाती हूँ, वो काफ़ी अच्छे हैं जो मैं यूज़ भी करी हूँ। ये 3 शेड हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया, तो मैंने बोला करके इसको तो मैं यूज़ कर ही लूँगी और उसका मैं देखूँगी, अगर मैं यूज़ की तो ठीक है, नहीं तो रखा रहेगा। तो मुझे काफ़ी पसंद आया लिपस्टिक भी और काफ़ी सही रेट में मिल गया, तो ऑफ़र था उस समय तो काफ़ी सही रेट में मिल गया, ओनली 220 में ये 4 शेड मुझे मिले हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया और काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसे रख लिया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और कुछ सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा, और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसी नेक्स्ट वीडियो में आई हो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, तब तक चलिए सबको बाय कर देते हैं ना, आइए सबको बाय कर दीजिए, आइए इधर आके बाय बाय, सी यू लेटर। ओ मेरी बेटी तो है बहुत अच्छा बोल लेती है, मेरी पीयू है ना बहुत अच्छा बोलती है। चलो हम वीडियो देखते हैं। ओके हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब Subscribe.